दोस्तों आपके सामने आज एक फिर से मैं बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। साइज़ काफ़ी कम है, मतलब कि फ्रंट की बात करें वैसे साइज़ काफ़ी बड़ा है। 17.5 बाई 70 फिट में पूरा मकान आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जो भी रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया। हमारे जानने वाले थे, उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल क्रिएट किया है। उनका प्लॉट था 17.5, मतलब 17.6 फिट चौड़ा था, और लंबाई की बात करें तो 70 फिट था, 70 फिट। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम चाहिए था और हॉल चाहिए था कार पार्किंग वगैरह के लिए, और इसके बाद ऊपर उनको रेंट पर्पज़ से मकान चाहिए था कि अब अगर वो भविष्य में कभी उस मकान को रेंट पे देना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लान पूरा मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं पवन छागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों मैं एक पेड सर्विस भी यूज करता हूं, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें कॉन्टैक्ट करें और मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि वहाँ पर 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में, लेकिन जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना पड़े करें। तो चलो आज का जो प्लान है 17.6x70 का, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। उसके लिए आपको मैं ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन सा प्लान 17.5x70 फिट में बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा 70 फिट है और ये फ्रंट का 17.5 फिट आपको देख पा रहे होंगे। तो इसका जो लुक दिया है ना, वो बहुत ही गजब सा दिख रहा होगा आपको, बेहतरीन से देखिए। प्रॉपर तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, और ये आपको मॉडल जो बना हुआ है ना, एक लेटेस्ट प्लान बेहतरीन से डिज़ाइन के साथ बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, जूम करने पर आपको ऐसा दिखेगा, और ये यहाँ पर ओम का सिंबल, मतलब कि ओम का साइन लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो मेन डोर है, इसी से आप कार पार्किंग कर पाएंगे, और साइड में आपका ये दोस्तों जो मैंने डोर दिया ना, 8 फिट का दिया है, 8 फिट चौड़ा गेट है, और उसमें बीच में थोड़ी सी मतलब कि जगह रहती है, तो लगभग 8 फिट 4 इंच का डोर चौड़ाई में है। ये यहाँ से आप चढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ओवरऑल पूरा फ्रंट एलिवेशन ये आपका देखने को मिलता है। ये मेन डोर है, ऊपर आपका ग्रिल लगा हो, जाली लगा हो। ये यहाँ पर क्योंकि दोस्तों मैंने लेटरन बाथ क्रिएट किया है ना, फ्रंट में आगे स्टेयर्स है इसके नीचे, तो यहाँ पर मैंने एक रोशनदार दिया है। ये नेम प्लेट आपकी लगी हुई है। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं स्लूप से, तो आप देख सकते हैं ये आपको एक हॉल मिल जाता बड़ा सा। ये आपकी स्टेयर्स है जहाँ चढ़ेंगे, और उसी के वजह से नीचे लेटरन बाथ बना दिया है। जब ऊपर आप जाएंगे ना, तो आप साइड में आपका डोर लगेगा। देखिए, हालाँकि ये उनको पूरा हॉल चाहिए था, ये वाला आपका वॉल उन्हें नहीं चाहिए, तो ये पूरा हॉल चाहिए था। तो मैंने हॉल आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए सिर्फ वॉल खड़ी कर रखी है। आप इन दोनों वॉल को ग्राउंड फ्लोर पर ना बनवाएं तो ये पूरा आपका हॉल हो जाएगा। इसके बाद उनको एक पीछे बड़ा सा बेडरूम चाहिए, तो एक बेडरूम है, उसी से लगा हुआ लेटरन बाथ यहाँ पर दिया है। इसे आप यहाँ पर जाल रखवा सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, कॉर्नर पर मैंने इसलिए यहाँ पर जगह छोड़ दी है, अगर आप चाहते हैं तो। या तो आप इसे लेट या बाथ अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए तो पीछे आप या तो इसे लेटरन बाथ बना सकते हैं, या यहाँ पर जाल रखवा सकते हैं, या यहाँ पर मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये आप पूरा हॉल बना रहने दीजिए। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, आप देख पा रहे होगे, और मैक्सिमम जूम कर देता हूँ मैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, फ्रंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 फिट का ये आपका ग्रिल लगा हुआ है, ये आपका जो बालकनी बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ग्लास का मैंने ग्रिल यूज़ किया, अगर आप स्टील या आयरन किसी का भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद ये मेन डोर है, दो मेन डोर ऐसा बना है, दोनों तरफ विंडो है जिससे आप बाहर आ सकें, यहाँ पर एक विंडो मैंने दिया है। अब जब ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर लेटरन बाथ आपका नहीं बन पाएगा, जाहिर सी बात स्टेयर्स आपकी वहीं रहेंगी, ये आपका एज अ हॉल वर्क करेगा। अब देखिए, आपका कस्टमर या आप जिसको भी किराए पर रखते हैं ना, वो सीधा यहाँ पर एंट्री करेगा। और ये गैलरी एक मैंने 4.5 फुट की यहाँ से लेकर लास्ट तक बना दी है, देखिएगा। और इसी में फिर मैंने बेडरूम क्रिएट किए हैं। तो पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। तो ये एक देखिएगा 11.5x10 का बेडरूम है, और ये आपका किचन एरिया, ये आपका लेटरन बाथ है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उन्हें ऐसा रेंट पर्पज से चाहिए था कि एक पूरा पोर्शन हो, और उस फैमिली के लिए लेटरन बाथ और आपका किचन उन्हीं के लिए सेपरेट हो, तो ऐसा ही मैंने क्रिएट किया है।
ये ओवरऑल जो आपकी जगह दोस्तों एक ब्लॉक लगभग 16 फिट का कटा हुआ है अंदर अंदर, उसमें फिर मैंने 10.5 फिट का बेडरूम और जो जगह बचती उसमें लेट एंड बाथ अलग अलग बना दिया। ये लेट एंड बाथ है, बाहर की तरफ आप किचन रख सकते हैं क्योंकि गैलरी में आप विंडो देंगे जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। और गैलरी में ही देखिएगा इस बेडरूम के लिए भी मैंने विंडो दिया, ये आपका डोर है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही ब्लू सिमिलर जैसा आगे मैंने बताया, सिमिलर वही प्लान 10.5 बाई 12 का बेडरूम, ये आपका लेट एंड बाथ, ये आपका किचन। किचन मैंने बाहर की तरफ रखा है जिससे विंडो लग सके, वेंटिलेशन होता रहे। आप इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फिर से पीछे आइए, अब की बार जो थोड़ा सा लुक चेंज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आपने जाल अगर नीचे रखवाया होगा, यहाँ पर जाल रखवाएंगे तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप प्रॉपर लेट एंड बाथ को भी वेंटिलेट कर पाएंगे और यहाँ किचन को भी वेंटिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको पीछे साइड लेट एंड बाथ और किचन रखा हुआ है। ये आपके गैलरी आती है पूरा और ये आपका यहाँ पर ओपन रहता है एरिया। तो अगर आप जाल यहाँ पर रखवाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी आपकी एडजस्ट होंगी, पीछे से भी रोशनी आती रहेगी आपके मकान में और आपका आगे तो आएगा ही भी। आप एक या दो जाल यहाँ पर या जो ग्लास की ईट आती है वो भी गैलरी पर रखवा सकते हैं जिससे आपका धूप वगैरह यहाँ पे आता रहे। तो ये रेंट पर्पज से 3 ब्लॉक कटे हुए, आगे आपका पूरा हॉल टाइप का रहेगा स्पेस। अब बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों लास्ट फ्लोर है, देखिए ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये आप पाइप टाइप का, ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें दोस्तों क्रिएट की गई हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डिज़ाइन ऐसा चाहते हैं तो आपने बनवाई नहीं, आप सिंपल रेलिंग भी लगवा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता। ऊपर सिमिलर जैसा नीचे था वैसा ही बिल्कुल सेम प्लान बनाए, कोई चेंजमेंट नहीं। ये पहला वाला ब्लॉक जो है वही है, दूसरा ब्लॉक सेम है, तीसरा भी ब्लॉक सेम है, पीछे पीछे गैलरी वगैरह सब कुछ वही सेम है। ये देखिए प्रॉपर। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये आपकी जो मैंने छत बनाई है ना, थोड़ा सा स्लोप में बनाई है और ऊपर जो स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी बनी है। हालांकि मैं यहाँ पर दरवाज़ा लगाना शायद भूल गया हूँ, देखिए आप, तो आप यहाँ पर दरवाज़ा लगाइएगा। और 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ है। फ्रंट में जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत ही बेहतरीन देखने वाला है, जो कि आपको ये के वी शेप का मिल रहा है। ये देखिएगा वी शेप में बना हुआ है बेहतरीन सा डिज़ाइन। तो ये 17.5 बाई 70 फिट का मॉडल बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा फ्रेंड डिलीवेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस माह हाउस प्लान को तो ज़रूर कर लें। आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।